क्लास अब जो हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ह्यूमन जीनोम होता क्या है। ह्यूमन जीनोम होता है हमारा कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए या क्रोमोसोम्स। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहले लॉन्च हुआ था 1990 में और कंप्लीटेड हुआ था 2003 में, जिसको शुरू किया गया था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स थे। लेट अस अज्यूम ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल है। इस डीएनए के मॉलिक्यूल से हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करने थे करीब 20,000 से 25,000 जीन्स को, और इन जीन्स से हमें डिटरमाइन करना था करीब करीब 3×10⁻⁹ बेस पेयर्स को, फॉलोड बाय हमें इन सीक्वेंस को एनालाइज करना था डेटाबेस में, जिसे हम डील करते हैं बायोलॉजी की एक ब्रांच जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। डेटाबेस को एनालाइज करने के लिए डेवलप किए गए थे कुछ टूल्स। इसके बाद इन डेटा को ट्रांसफर किया गया था रिलेटेड इंडस्ट्रीज में। साथ ही साथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे खूब सारे सोशल, एथिकल और लीगल इश्यूज अराइज हुए थे। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन इश्यूज के साथ भी डील किया गया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारा कंसिस्ट करता है दो तरह की मेथोडोलॉजीज को। पहली होती है हमारी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स या ESTs, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं सारे जीन्स को। दूसरी होती है हमारी सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस को, जिसमें हम कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस करते हैं। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जो मेथड्स हैं वो कुछ इस तरीके से फॉलोड हैं। ह्यूमन से उसका सेल एनालाइज करेंगे और उस सेल में से हम डिटेक्ट करेंगे उसका क्रोमोसोम। फिर हम क्रोमोसोम में से आइसोलेट करेंगे डीएनए को। इस डीएनए को हम क्लोन करते हैं बैक्टीरिया और ईस्ट में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स लाइक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स की मदद से। फिर हम इस डीएनए सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं डेटाबेस में।